told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योर मोटिवेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो अप्स एंड डाउन्स तो हमारी लाइफ में लगे ही रहते हैं, कभी टाइम अच्छा होता है, कभी कुछ ठीक नहीं होता है। इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे रूटीन में भी, हमारा रूटीन भी हमेशा बैलेंस नहीं हो पाता है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसी तरीके से कल मेरे साथ क्या हुआ कि कल मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे और बाद में हम लोगों ने लंच वगैरह करके साथ में ही हम आउटिंग के लिए बाहर निकल गए थे। इससे क्या हो गया कि काफ़ी लेट हो गया घर आने में और फिर मैं इतना थक गई थी कि मैं अपना किचन का काम कंप्लीट नहीं कर पाई और फिर मुझे सुबह उठने में भी थोड़ा लेट हो गया। तो ऐसे में बिना पैनिक हुए अपने काम को कैसे मैनेज करें, आइए इस वीडियो में देख लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट हो जाने के बाद भी सबसे पहले आपको अपने आप को एक्टिवेट करना है। इसके लिए आप, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं गुनगुना पानी एक गिलास पी लेती हूँ और उसके बाद मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ अदरक डाल करके। और चाय पीने के बाद, एक्टिव होने के बाद ही आप अपने काम को करें। आप ये ना सोचें कि ये सब होता रहेगा, पहले तो काम ज़रूरी है, अपना खाना बनाना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि स्लो स्लो काम करने से अच्छा है कि आप एक्टिव होकर फास्ट काम करें। तो सबसे पहले अपने आप को एक्टिवेट कीजिए। टी कॉफ़ी जो भी आप सुबह लेते हैं वो ले लीजिए। और ये देखिए मेरा किचन कितना फैला हुआ है, फिर भी मैं अभी उसका चिंता नहीं कर रही हूँ। दूसरी जो मेरी टिप रहेगी वो ये रहेगी कि आप प्रायोरिटी बेसिस काम स्टार्ट करें। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो काम करें, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लंच देना अपने हस्बैंड को, बच्चों को, तो हम लंच पे ही पहले फोकस करेंगे और उसी पे ध्यान देंगे, साफ़ सफाई तो होता भी रहेगा। इसके साथ मैंने यहाँ पे चाय बनाने के साथ ही मैंने टी और शुगर के जो कंटेनर थे उन्हें हटा दिया और जिसमें मैंने अदरक कूटा था उसे भी मैं यहाँ पे तुरंत हाथ के हाथ धो करके वहाँ पे रख देती हूँ। और चाय बनाने के बाद आप क्या करें कि जो चाय पत्ती होती है उसे तुरंत ही डस्टबिन में डाल दें और फिर उस बर्तन को भी पानी में फुला करके मैं रख दूंगी। जितने भी बर्तन हैं सारे मैं सिंक में डाल दूंगी ताकि मेरा काम ख़त्म होने तक ये पानी में थोड़ा फूल जाए अच्छे से, क्योंकि रात के ये बर्तन हैं जो ड्राई हो चुके हैं, जो कि धुलने में थोड़े से प्रॉब्लम करेंगे, इसीलिए आप पानी में डाल करके रख दीजिए। चाय बनते बनते मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने काउंटर टॉप को भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे कुकिंग करना है इसकी वजह से। तो जब तक चाय बन रहा है तब तक आप दूसरे काम भी अपने कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग होना हमें बहुत ही ज़रूरी है, जबकि अगर हमें लेट हो चुका है तब तो खैर ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ये जो डस्ट वगैरह निकल रहा है इसे आप डायरेक्ट ज़मीन पर ना गिराएं, इसे डस्ट पैन में लेकर के डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दें। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डिब्बा, रसगुल्ले का ही एक डिब्बा था, उसे मैंने छोटा सा डिब्बा अपने वॉश यहाँ पे मैंने बेसिन के पास रखा हुआ है, उसमें मैं प्लास्टिक लगा देती हूँ और जो भी छोटे मोटे कचड़े होते हैं वो मैं रख देती हूँ। यहाँ पे मेरा चाय बन के रेडी है, तो अब मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं अपने काम पर लग जाऊँगी। थर्ड टिप मेरा ये है कि आप को जब भी लेट हो जाए इस टाइम पे आप क्या करें, ऐसा किसी सब्जी या खाने का चुनाव करें जो कि बहुत ईजिली बन जाता हो। तो यहाँ पे मैं आलू भिंडी की सरसों मसाला की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें प्याज वगैरह कुछ भी काटना भूनना नहीं होता है, ये बहुत ही ईजी है और फटाफट से बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा पैन चढ़ा दिया है और साथ में मैं भिंडी भी कट करती रहूँगी। जब तक हमारा ये तेल वगैरह, मेथी वगैरह फ़ौरन गर्म होगा तब तक हमारी भिंडी कट जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे भिंडी को छौंक रही हूँ। अब मैं इसमें हल्दी और नमक डाल रही हूँ। हल्दी नमक दोबारा से आप उसके जगह पे नहीं रखेंगे, अभी से हल्दी नमक वगैरह को बाहर ही रहने देंगे, क्योंकि फिर
आगे भी हमें सब्जी वगैरह में आलू में हमें डालना है तो हम बार बार निकालेंगे और रखेंगे नहीं, इस बात का आप ध्यान रखें, इसमें भी टाइम बहुत जाता है। तो यहाँ साइड में मैंने एक और कढ़ाई चढ़ा दी है, जब तक हमारा ये भिंडी फ्राई होगा तब तक हम यहाँ पे आलू को फ्राई कर लेंगे। मल्टीटास्किंग होने का मतलब यही है कि आप एक साथ 3-4 काम करते रहें, तो दोनों गैस का बर्नर आपको ध्यान रखना है कि दोनों गैस के बर्नर पर कुछ ना कुछ पकता रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने तेल मेथी डाल के आलू को भी छौंक दिया है और इसमें हल्दी नमक डाल के इसे फ्राई करूँगी मैं। एक बार में ही फ्रिज से, जब भी आप शुरू सुबह में फ्रिज खोल रहे हैं उसी टाइम आपको जो भी चीज़ें लगने वाली हैं वो सारी चीज़ें आप निकाल लें और निकालने के बाद रख लें। बार बार आपको इससे फ्रिज को खोलना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने सुबह में ही सब्जी निकाली थी तो फ्रूट्स वगैरह भी निकाल दिया था नॉर्मल होने के लिए। और ये कुछ प्रिपेयरिंग करके आपको कुकिंग के लिए रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लहसुन पील करके इस एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ है। पीला सरसों और लहसुन को मैं यहाँ पीस के पेस्ट बना ले रही हूँ सिलवट्टे पे। और उसके बाद मैं इस आलू फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी। सरसों के मसाला को ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है, इसे थोड़ा सा ही फ्राई करें। और इसमें अब पड़ेगा लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद हल्का पानी डाल के एक टमाटर को मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। पूरी तरीके से नहीं कट किया है, इसे सिर्फ बीच से कट किया है। और यहाँ जब तक सब्जी पक रहा है तब तक जो भी चीज़ें हैं हमारी उन्हें हम वापस से रख देंगे। हल्दी नमक मसाले वगैरह सब अपनी जगह पे हम रख देंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तभी आप उसे अंदर रखें, वरना बार बार आपको इसे निकालना रखना पड़ता रहता है। यहाँ पे मैंने एक दूध का जो रात का जो दूध का बर्तन था उसे दूसरे बर्तन में मैंने दूध को पलट लिया है। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। मुझे दूध का बर्तन चाहिए था आटा लगाने के लिए। जो भी यहाँ पे मैंने एक नाइफ से यहाँ पे जितनी भी मलाई के खुरचन वगैरह रहते हैं उन्हें निकाल लिया है। अब इसी में मैं आटा लगाऊँगी। इससे क्या होता है, रोटियाँ थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं और उसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा सा आता है और हमारा जो ये दूध का बर्तन है वो भी क्लीन हो जाता है। तो ये देखिए आटे में भी एक चिकनाहट सी आ गई है और आटा हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब सब्जियाँ भी हो गई हैं, टमाटर गल चुका था तो मैश करके इसे इसमें मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और भिंडी भी हो चुका है तो थोड़ा सा भिंडी मैं भुजिया बच्चों के लिए निकाल रही हूँ और बाकी का भिंडी मैं इस सब्जी में डाल दूँगी। गैस ऑफ होके कंप्लीट होने के बाद ही हम इसमें भिंडी को डालेंगे सबसे लास्ट में। तो ये सब्जी बनके तैयार है, इसे मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी और रोटियाँ बना लूँगी। रोटियाँ बनाने के लिए मैं आपको ये टिप बताना चाहती हूँ कि तवा कभी भी आपका खाली नहीं होना चाहिए। एक रोटी आपने जैसे ही उतारी दूसरी रोटी आप तुरंत उस पर डाल दीजिए। जब तक आपके हाथ में तवा रहता है वो गर्म ही रहता है और दूसरी रोटी सिकती रहती है। आपका हाथ इतना फास्ट चलना चाहिए कि जब दूसरी रोटी फुलाने लायक हो जाए तब तक ये बेल चुकी हो। ये देखिए मैंने फटाफट से उसे निकाला है और दूसरी रोटी रखी है। फुली फुली सी अच्छी सी रोटियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं लंच के लिए। यहाँ पे मैं लंच लगा रही हूँ गाजर का हलवा, रोटी और सब्जी। साथ में मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, टी और ब्रेड टोस्ट। और कुछ फ्रूट्स भी मैं उन्हें कट करके दूंगी जो कि मैंने सुबह निकाल के रखा था नॉर्मल होने के लिए, पपाया। तो लंच करने के एक घंटे पहले वो ये पपाया खा लेंगे और उसके बाद वो लंच कर लेंगे। इसके साथ कुछ स्नैक्स भी मैं देती हूँ इवनिंग के लिए। तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने दे दिए हैं और ये ठेकुआ है छठ पूजा का बचा हुआ, इसे भी मैं दे रही हूँ। इसे फटाफट से ख़त्म करना है, काफ़ी दिन हो गया है। तो उनका लंच रेडी हो गया है। अब बेटी को भी मैं अपनी मिल्क और टोस्ट दे देती हूँ खाने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। जब तक इन लोगों को मैंने दे दिया है, उसके बाद मैं अब फटाफट से अपना किचन को क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीन करने के बाद जब हमें लगता है कि बच्चे खा लिए, हस्बैंड को लंच मिल गया, तब जाके हम फ्री होते हैं। हमें लगता है कि अब हमारा आधा काम हो चुका है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ फटाफट से बर्तन क्लीन कर लूँगी। बर्तन धोने की भी मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जितने भी बर्तन हैं उन्हें आप सिंक में पहले तो डाल दें,
जहाँ कहीं भी हो सब जगह से आप ढूंढ ढूंढ करके ले आए पूरे घर से बर्तन और उन्हें सिंक में डाल दें। और उसके बाद जितने भी प्लेट हैं, छोटे प्लेट, बड़े प्लेट, थाली, जो भी कुछ है, उन्हें आप पहले निकाल लें और वॉश करके उन्हें ऐसे रखें जिससे कि पानी उसका पूरा निकलता रहे। जैसे तैसे आपको इसमें बास्केट में नहीं डाल देना है, सीधा करके ही आपको इसमें रखना है। तो यहाँ पे जितने भी प्लेट्स थे, थाली थे, छोटे प्लेट, बड़े प्लेट, नाश्ता करने वाले, खाना खाने वाले, सब मैंने वॉश करके यहाँ पे खड़ा करके ही रखा है, आप देख सकते हैं साइड में। और इसके बाद जितने भी आपके बड़े बर्तन हैं, जैसे कि कढ़ाई हो गया, डोंगा हो गया, ये सारे बर्तन आप निकाल लें। चाय के बर्तन हैं ये सारे बर्तन, इन सारे बर्तन को आप वॉश कर लें। ऐसे कर लेने से, ये दो काम कर लेने से हमारा आधा बर्तन खाली हो जाता है और हमारा आधा सिंक जो होता है वो खाली हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितने भी छोटे छोटे बर्तन बचे हैं, ग्लास, कटोरी, चम्मच वगैरह, सब पानी से खंगार के और आप ऊपर रख लें। और उसके बाद अपने सिंक को अच्छी तरह से क्लीन कर लें, अच्छी तरह से सिंक को क्लीन कर ले, धो ले, वॉश कर ले। और उसके बाद जितने भी बर्तन ऊपर में हैं सब धो धो के उसके अंदर डालते चले जाएं अपने सिंक में। ये जो मेथड है इससे बर्तन बहुत ही जल्दी धुल जाते हैं। और अब देखिए, ये क्लीन कर लिया है मैंने और इस बास्केट को थोड़ा अपने पास में ले लिया है। यहाँ पे धूप भी अच्छी आती है तो बर्तन भी सूख जाते हैं। बड़ी कढ़ाई मैंने निकाल दी है और उसमें सारी कटोरियाँ मैं वॉश करके रखती चली जाऊंगी। कप वगैरह मैं फिल्टर के ही नीचे रखती हूँ। ये सारे मैंने यहाँ पे स्पून भी धो लिए है, स्पून का रैक भी धो लिया है, इसके नीचे मैंने एक प्लेट लगाया हुआ है। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं, अब मैं नीचे के एरिया को भी क्लीन कर रही हूँ। और ये देखिए, मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्दी हुआ था, जितना मैं रेगुलर वेज पे करती हूँ उससे भी जल्दी। सुबह उठते से क्या होता है कि आप जो अपने लिए टाइम दे पाते हैं, वही लेट होने पे आपका टाइम बस वही मिस हो जाता है। आपके योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, आप ही का टाइम थोड़ा सा आपका वेस्ट होता है। अदरवाइज़ आप काम तो फटाफट सब कोई कर ही लेता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।